फाइनली स्टूडेंट्स आ चुका है राजनीति विज्ञान का पेपर जो आपको 15 मार्च को होने वाला है कक्षा 12वीं वालों का। तो कक्षा 12वीं वाले बच्चों खुश हो जाइए, आप लोगों के सामने आ चुका है राजनीति का विज्ञान का पेपर जो मेरे पास, जैसे ही मेरे पास आया मैंने आपको लिए तुरंत एक वीडियो बना रहा हूँ, सेट भी है, आप लोग हल से जल्दी जल्दी कर लीजिए। इनका संपूर्ण सोल्यूशन मैंने पहले ही कर रखा है, इसी पेपर पर नोट कर लिया है, अब आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। पूरा जल्दी जल्दी आपने जितना पढ़ा है उतना भी आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है मैं कराने वाला हूँ, जो ना बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। तो चलिए बिना बकवास के, क्योंकि अपने पास में टाइम बहुत कम है, चलिए जल्दी से हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सही विकल्प, जैसा कि पहला लिखा आपके सामने सोवियत बुर्जुआ क्रांति को नेतृत्व निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर पहला सही हो जाए चर्चिल, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 7 में की गई थी। तीसरा लगा एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि AABW किस वर्ष हुई थी, तो हुई थी 1972 में। चले इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आपका चौथा वाला जिसमें लगा वैश्वीकरण निम्नलिखित में किस विचारधारा पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला उदारवाद पे। पांचवा लगा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। छठवा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर छठमाला देखते हैं, छठमाला लगा 1974 की रेल हड़ताल को नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जॉर्ज फर्नांडिस के अनुसार, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी की लगातार डिमांड आती रहती है कि सर जो क्वेश्चन पेपर आपने बताया है इसका PDF और जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं इसका PDF, दोनों PDF हमें प्रोवाइड करा दीजिए, बट पूरे YouTube पे कोई भी YouTube चैनल वाला आपको ये PDF नहीं देता है, बट स्टडी नोट्स PJ YouTube चैनल आपको ये सुविधा दे रहा है। जी हाँ, और इसको हमने बहुत ही आसान बना दिया है आप सभी के लिए। बस आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पे इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लेना होगा। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको गूगल में आकर के स्टेप यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक स्टडी नोट्स PJ सर्च करना होगा, ठीक है, जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट दिखेगी studynotespj.com, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नीचे आकर के दिखेगा आपको MP board, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं, आपको बस अपना MP board सर्च कर लेना है, ठीक है। MP board जैसे ही ऊपर दिखेगा आपको इस पे आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको एक बार फिर से नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद देखेगा यहाँ पे देखिए आप कक्षा 10वीं दिया गया है और कक्षा 12वीं दिया गया है। अब जैसे आप 10वीं में हैं तो 10वीं का इस साइड दिया गया है और 12वीं में हैं तो 12वीं का इस साइड दिया गया है। अब देखिए हमें कक्षा 10वीं का जैसे अभी अपना जो पेपर है वो फिलहाल मैं कोई सा भी अपन डाउनलोड करके देख लेते हैं। जैसे हमें कक्षा 10वीं यहाँ पे संस्कृत का सेट ए का पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है, कक्षा 10वीं संस्कृत सेट ए, सेम प्रोसेस सभी के लिए रहेगी, मैं कक्षा 10वीं सेट ए के लिए बता देता हूँ। जैसे ही मैं सेट ए पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं का आ चुका है, ठीक है, कक्षा 10वीं सेट ए पूरा लिखा हुआ है, अपन को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, देखिए छेड़छाड़ नहीं करनी है कुछ भी, देखिए ये सेट ए का कक्षा 10वीं जो सेट ए का पेपर है वो डला हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर है, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आते जाना है आपको, देखिए सबसे नीचे आपको पहुंच जाना है और सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सफेद कलर का डाउनलोड का बटन दिखेगा, बस आपको इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और लगातार 15 सेकंड तक वेट करना है। अब देखिए 15 सेकंड वेट करने से अच्छा है एक बार आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे 15 सेकंड के पहले पहले आप किसी भी एक ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो ये PDF की लिंक है वो एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगी और देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पर ले जाएगी। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन जो है अपनी ड्राइव पे ले गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी क्लास का कोई भी पेपर सॉल्यूशन के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, चलिए चलिए जल्दी कर लेते हैं हम लोग। सोवियत राजनीति प्रणाली की विचारधारा पर आधारित है, तो ये सर समाजवाद पे, तो आप लोग समाजवाद है देना पहले वाले में। दूसरे वाले में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोगों के बंसी गठन में, ठीक, बंसी गठन स्थान पर है, तो गठन लग देना है। तीसरा विश्व तापवृद्धि में मालदीव का सबसे अधिक खतरा है, ठीक, किसको खतरा है, मालदीव को, वैश्वीकरण के कारण पर संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार को बढ़ोतरी हुई है। नीति आयोग की स्थापना को हुई थी IGA 2015 में। छठवां लगा है खालिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया था, ये किया था चौधरी चरण। सात मतलब भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की है, तो खालिस्तान में आपको इसका कमेंट में करना है, कमेंट करके बताना है, नहीं है पता तो मैं इसका लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ पूरी कीजिए, यानी सही जुड़ियों की पूर्ति कीजिए, थोड़ा मैं वो जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला PWG, तो इसका हो जाएगा आपका इस वाले से, ठीक, प्लूस बार ग्रुप, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दवा साड़ी शिविर, तो दूसरे वाले का हो जाएगा इस वाले पांच वाले से, ठीक बच्चों। इसी प्रकार से अगला तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस,
तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। तो जूनागढ़ के साथ के दीवान कौन थे, तो चौथे का हो जाएगा आप लोग सामने आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीचे वाला ए वाला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से चौथा वाला हो जाता है। पाँचवें वाले की बात करते हैं 1972 के बाद शिमला समझौता, तो पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें का आपका हो जाएगा पहला वाला श्रीमती गांधी एवं चुनेगा अली भट्टो, और छठवां मिजो नेशनल फ्रंट स्थापना, तो आप लोग सभी लोग छठवें का दूसरा वाला लगा लीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सामने सही जुड़े अभी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को जो आप लोग सामने दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो एक शब्द के बाद में होता है जो काफ़ी ज़्यादा सरल है वो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है, तो आप लोग प्रश्न पढ़ते जाइएगा आंसर आप लोग सामने जस्ट नीचे लिख दिए हैं इस प्रकार से, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना हो आप लोग जल्दी कर सकें। चलिए तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए हम सत्यासत करते हैं, तो पहला आपका असत हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा असत, चौथा असत, पाँचवा असत, सातवां असत, तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत्यासत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक छठवां जो आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना है बच्चों, इनके आंसर भी सीख के जाना आपको।